बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। गाइस, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास सिक्स की मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाई थी और इसका भी पहला यूनिट करवाया था, और पहला यूनिट पोइम था, मदर टू सन पोइम। ये रहा मदर टू सन। मदर टू सन बताया था कि मदर टू सन की रीडिंग कर करवाई थी कि इसके अंदर है क्या, बेसिक पोइम में क्या बताया गया है। अब मैं आज आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जो मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं या वीडियो मेरी डाउनलोड करें। मज़ीद इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले ए पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट इसका क्या है, हु इज स्पीकिंग इन द पोइम एंड टू हुम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड। कि इस पोइम में कौन बात कर रहा था और किससे बात कर रहा था, किससे गुफ्तगू की जा रही थी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ, ये देखिए। मदर इज स्पीकिंग टू हर सन, माँ अपने बेटे से बात कर रही थी, और जो एंड वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन, और ये तमाम वर्ड्स अपने सन, अपने बेटे के लिए बोल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद। स्पीकर यानी जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, उसने इसकी लाइफ को किससे कंपेयर किया, उसकी मदर की लाइफ को किससे कंपेयर किया है। द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद डेम्प्टी लाइक स्टेयर्स, DIMPTY, डेम्प्टी। ये पी मैंने ऊपर लिख दिया था, मैं भूल गया था लिखना, कि जो स्पीकर है, जो लिखने वाला है, देखने वाला है, बोलने वाला है, उसने अपनी मदर की या जिसकी भी मदर की लाइफ को किससे तशबीह दी है, सीढ़ियों से तशबीह दी है। What does the speaker encounters on the stairs? जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसने अब स्टेयर्स को किस मानित कहा है। द स्पीकर encounters with tracks, splinter, bare board and patches of hardness of darkness। इन तीन चार चीज़ों से स्पीकर ने जो है स्टेयर्स को तशबीह दी है, कि स्टेयर्स इस तरह की थी। अगला डी पार्ट पे हम चलते हैं, इवन दो हैव बीन ऑब्स्टेकल इन द वे, व्हाट हैज़ द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी। अब वो स्पीकर जो बोलने वाला है, उसने उसकी लाइफ में काफ़ी सारी मुश्किलात आई हैं, तो उसने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया है, या उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या काम किया है। तो इसका भी आंसर मैं आपको देती हूँ, देखिए। शी एवर गेव अप अप केप्ट क्लाइंबिंग अप, कि वो अपनी ज़िंदगी को या अपनी मुश्किलात को, ज़िंदगी में जो आ रही थी, उनको उन पर चढ़ता चला गया है, और जो भी मुश्किलात थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थी, उनको क्लाइंब अप यानी चढ़ना। विथ थ्री पीसेज ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय, जो बोलने वाला है, उसने लड़के को किन किन एडवाइस से नवाजा, यानी उसे किस किस तरह की एडवाइस की। डू नॉट टर्न बैक, पहली एडवाइस क्या है कि पीछे नहीं मुड़ना। डू नॉट फॉल, गिरना नहीं है। तीसरी थी डू नॉट सिट डाउन, ना ही बैठना है। No carpet on the floor represents like of comfort and wealth, कोई कारपेट जो कि आपके फ्लोर पर लगा हुआ है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कभी नहीं करता कि आप कंफर्ट में यानी सुकून में रहें, और वेल्थ आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। लेक ऑफ लाइक शोज टाइम व्हेन शी फॉल सैड एंड होपलेस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which sentence are repeated in the poem? कौन सा जुमला है जो पोइम में बार बार बोला गया है।
लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल स्टेयर। ये जो लाइन है ये जो है ये कब पोइम में बार बार बोली गई है? विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट? वाई डू यू थिंक द पोइट मेड दिस पोइम सो शॉर्ट? कि इस पूरे जो है अपना इस पूरी पोइम में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा शॉर्ट था, और पोइट ने क्यों इस पोइम को शॉर्ट बनाया, छोटा बनाया, वरना अक्सर पोइम्स बहुत लेंथी होती हैं। बेयर माई लाइफ हैड बीन हार्ड एम्प्टी एंड विदाउट कम्फर्ट विच द वर्ड्स ऑन इट्स ओन मेक डियर्स। बियर का जो लफ्ज था वो सबसे शॉर्टेस्ट था, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है पोइम के अंदर, वर्ड है उसका बेयर। और इस पूरी पोइम को जो है माई लाइफ, वो कह रहे हैं कि माई लाइफ हैड बीन हार्ड एम्प्टी एंड विदाउट कम्फर्ट। मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में घिरी हुई है, अकेला हूँ मैं और बगैर किसी आराम के है। विच द वर्ड्स ऑन इट्स ओन मेक डियर्स, जो अपने आप को इस पोइम को मुकम्मल करता है। ये पोइम जो है सिर्फ लाइफ के बारे में छोटी सी बनाई गई है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ बुक से। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने लगे हैं, दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट डिस्कस देम फर्स्ट, कि ये क्वेश्चन मुश्किल ज़्यादा है तो आपने इनको पहले डिस्कस कर लेना है। इनका भी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वॉट द मदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि माँ का अपनी लाइफ के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, इसकी लाइफ मुश्किलात से घिरी हुई थी। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक शी इज़ टेलिंग हर सन अबाउट हर लाइफ इन दिस वे, आप क्या सोचते हैं कि क्यों उसकी मदर ने ये सारी मुश्किलात अपनी लाइफ की जो थी उसके बारे में अपने सन को बताया, अपने बेटे को बताया। To encourage him to never give up, ताकि वो कोई भी अगर उसकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आ जाती हैं तो वो उनको फेस करे, उठ के खड़ा हो, उनकी मुकाबला करे उन मुश्किलात का। अगला क्वेश्चन, Thinking about the words and phrases used in the poem, what point in the woman's real life would these represent? For example, tracks and Sprinters might represent hardship of a particular kind, which hardships? Go through the poem, find other images and write what these may represent in real life. के जो पोइम में उस औरत ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात बताई, क्या आप सोचते हैं कि वो मुश्किलात असल ज़िंदगी में भी पेश आती हैं लोगों के साथ? कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं? ट्रैंक्स एंड स्प्लिंटर्स रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल पेन, जो ट्रैंक्स और स्प्लिंटर्स हैं यानी जो मोड़ तोड़ हैं ज़िंदगी के, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कि उसको वो फिज़िकली और इमोशनली उसको बहुत तकलीफ दी गई है। आगे, बोर्स टर्न अप, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मेटाफर है जिसका मतलब है बहुत सारी मुश्किलात। शो अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन रिमूव फ्राम हर लाइफ ड्यू टू टेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, के पैसों की या फाइनेंशियली कमज़ोरी की वजह से जो उसको मुश्किलात ज़िंदगी में आई, अगर वो उसके पास पैसे होते तो वो उन चीज़ों को मुश्किलात को टैकल कर सकती थी। ये जो हमारी एक्सरसाइज ए है वो कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम एक्सरसाइज बी की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड ऑल नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज्ड इन द पोइम, राइट देम अलोंग विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड फॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू लिस्ट ऑल द वर्ड विद एन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहते हैं जो हम ये ऊपर करके कॉमा लगाते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि जो वर्ड्स पोइम में सही तरह नहीं लिखे हुए, सही तरह नहीं बयान किए गए, उनको आपने सही तरह लिखना है अलग से, और साथ उनके करेक्ट मीनिंग भी लिखने हैं।
ये देखिए, नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स कौन से थे? एंट, एक वर्ड था एंट, जिसका करेक्ट फॉर्म क्या थी? आई एम नॉट, इज, आई हैव, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, यहाँ क्लाइंबिंग के स्पेलिंग देखिए और यहाँ देखिए फर्क है काफी, रीच, रीचिंग, लैंड। अगला वर्ड है टर्निंग, टर्निंग, गोन, गोइंग, कॉज, बिकॉज, काइंडर, काइंड ऑफ। डू नॉट के लिए सिंबल यूज होता है, इसका कहते हैं डू नॉट। यहाँ पर ये था जी पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर टू देखते हैं। पार्ट नंबर टू क्या है? व्हाट राइट दी सेंटेंस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर, इसको करेक्शन क्या होगी? आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर। उसके बाद देखें यहाँ पर ये जितने भी ये करेक्ट फॉर्म्स है ना, ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट वन है उसके अंदर जो करेक्शन की गई है वही करेक्शन यहाँ पर की गई है, तो काइंडली आप ये अपने खुद कीजिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छा समझ आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर जो वन है, पिक आउट द स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड कमांड एक्सप्लेनेशन। इसमें देखें पहले, पहला द बोर्ड आर टॉर्न अप, ये एक स्टेटमेंट है। डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, क्वेश्चन है। कीप इट सेफली इन द ट्रंक, कमांड है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाउ फ्रेश इट इज, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया हुआ था, एक्सक्लेमेशन है ये। इट विल चेंज कलर इन टू आवर्स, स्टेटमेंट है। दो थ्रो इट अवे, कमांड, इसे फेंक दो, ये कमांड दिए गए हैं, ऑर्डर दिया गया है। आई बर्नड इट यस्टरडे, स्टेटमेंट है। हैव यू बर्नड इट येट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए ये थी मेरी कुछ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना पहला यूनिट डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ी है, अब हम पहला यूनिट डिस्कस करेंगे। इसकी रीडिंग करके दिखाऊंगी, इसके मीनिंग बताऊंगी। ये भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपने इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना है। चले चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।